को हटाने हेतु विशेष उल्लेख पर बोलने का अवसर दिया। मैं विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि 27 सितंबर 1925 में स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन का एकमात्र ध्येय है राष्ट्रवाद एकमात्र कार है, राष्ट्र सेवा एकमात्र शत्रु है राजद्रोही, और एकमात्र नीति है राष्ट्रीय अखंडता। 1947 के बंटवारे, 1962 के चीन युद्ध, 1965 के युद्ध, उड़ीसा चक्रवात, भोपाल गैस त्रासदी, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बिहार के अकाल, 2001 का गुजरात भूकंप और वर्ष 1977 के आपातकाल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ने पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा और राहत कार्य के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि निकट भविष्य में कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी तमाम त्रासदियों के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दीवार की तरह तनकर आपदा और आम जन के बीच खड़ा रहा है। जिस संगठन का लक्ष्य माँ भारती के गौरव को परम वैभव तक पहुँचाना हो, वो देश विरोधी कैसे हो सकता है। इसके बावजूद भी 1966 में केंद्र सरकार द्वारा और 1981 में कांग्रेस शासन में राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गतिविधियों में सम्मिलित होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हाल ही में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है, लेकिन राजस्थान में गत 43 सालों से देश की सेवा करने वाला यह संगठन इस तुगलकी फरमान के प्रतिबंध को अनवरत झेल रहा है। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि देश सेवा के लिए समर्पित इस अनुशासित राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ाव के लिए प्रदेश के राज कर्मियों पर लगे हुए प्रतिबंध को अविलंब हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समाराम।